हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे चिकन। तो जिसके लिए हमने यहाँ चिकन लिया है, कटी हुई हमने ढेर सारी प्याज ली है, चिकन को हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। यहाँ हमने कुछ मसालों के पाउडर लिए हैं, जिसमें हमने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला लिया है। साथ ही में हमने यहाँ ढेर सारी लहसुन की कलियाँ, कटा हुआ अदरक, कुछ साबुत गोटा गरम मसाला और दो हरी मिर्च ली है। बर्तन को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बना हुआ चिकन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही रिच फ्लेवर आता है चिकन में, तो इसलिए हम इसे सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तो हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, दो एक लौंग, एक इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। चार से पांच हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। जो प्याज हमने काट के रखी थी उसमें से आधी प्याज हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हम इसे चला लेंगे और इसे हल्का सुनहरा होने देंगे। यहाँ हमने साबुत गरम मसाले, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का मिक्सी में पेस्ट बना लिया था। तो प्याज हमारी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो हम इसमें एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया हमारा कलर आएगा। इसमें तैयार किया हुआ साबुत गरम मसाला, मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ हमने जो चिकन और प्याज कटा हुआ लिया है, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, हल्दी का पाउडर डालेंगे, अच्छे से हम सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डाल देंगे बर्तन में। एक दो बार हम इसे अच्छे से मिलाते हुए चला लेंगे। अब हम इसमें मसालों के पाउडर डाल देंगे। आप मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे डालने के बाद। अब हम इसे ढक देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। तो चिकन हमारा लगभग मसालों में पक चुका है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उसके हिसाब से इसमें पानी डालें। पानी डाल के वापस से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे ढक के 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। तो चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी बनी है। तो इस रेसिपी को एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही ढेरों आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक यू।